वहीं इस कोरोना काल ने कई लोगों का रोजगार छीन लिया है। कोरोना रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन में आर्थिक रूप से मार झेल रहे प्रवासी अपने राज्य लौटने को मजबूर हो गए, पर मुंगेर में मनीष कुमार ने इस आपदा को अवसर में बदला है। मुंगेर जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित असरगंज प्रखंड के सजुआ गांव निवासी मनीष कुमार रोजगार के लिए शहर की ओर रुख न कर गांव में ही मत्स्य और मुर्गी पालन का खुद को आर्थिक रूप से संबल कर रहे हैं। साथ ही गांव के बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं। मनीष ने इस कदम से पीछे इलाके में वह चर्चा का विषय बने हुए हैं। पास में जो है कि आपका जो फसल के साथ में ना है, फसल का भी खेती होता है। दूसरा चीज़ क्या है, मेरा जो मेन फोकस है वो मुर्गी पालन है खेती के साथ साथ, और मछली पालन है जी। और उसके बाद तीसरा में फिर कुछ अपना बगीचा भी है। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, मतलब कि धान की खेती है, गेहूं की खेती है, सरसों की खेती है, मूंग की खेती है, फिर आपका पोल्ट्री फार्मिंग का है, फिशरी फार्मिंग का है, उसके बाद फिर थोड़ा सा छोटा सा बागान भी है। मैं देखिए क्या है कि अभी जो अपने बिहार की जो स्थिति है, यहाँ पर क्या है कि डिमांड के हिसाब से जो प्रोडक्शन चाहिए था मछली का वो नहीं है। तो हम लोग क्या है कि जितने भी आप जहाँ भी जाते होंगे देखते होंगे कि ज़्यादातर वो बॉक्स में जो आता है बर्फ वाली आंध्रा वाली मछली,